सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों गला पहले से बेहतर है और मैं लेके आ गया आपके लिए एक और नया फ्रेश का वाला एपिसोड, जहां पर दोस्तों आज मैं आपसे इस वीडियो में बात करने वाला हूं इसी नए फ्रेश स्मार्टफोन के बारे में, जहां दोस्तों ये है ओप्पो F19 Pro। तो आज दोस्तों आप इस वीडियो को आगे देखते रहिए लाइक और शेयर करते हुए, और यहां पर दोस्तों बात करते हैं इसी फोन के बारे में, देखते हैं कैसा है ये फोन, क्या क्या फीचर्स पैक किए हैं ओप्पो ने इसी F19 Pro स्मार्टफोन में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पे अगर आपसे बात करो तो यार कुछ ऐसा है यहाँ पे इसी ओप्पो F19 Pro स्मार्टफोन का, ये बॉक्स सामने है, बड़ी सी F की ब्रांडिंग, बाकी दोस्तों साइड के अंदर भी मेंशन है ओप्पो F19 Pro का। पीछे यहाँ पे जो है वो हमारे पास दोस्तों कुछ डिटेल्स मेंशन की गई हैं, जहाँ पे जिक्र होता है 30 वॉट की वोक फ्लैश चार्ज 4 टेक्नोलॉजी का, साथ दोस्तों इसमें है ड्यूअल व्यू वीडियो, AI कलर पोर्ट्रेट वीडियो, और फिर दोस्तों यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सिस्टम परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजर की। यहाँ पे दोस्तों हमारे पास में इसी का क्रिस्टल सिल्वर कलर वेरियंट 8 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ में, और ये फोन बना है इंडिया में। वैसे यहाँ पे दोस्तों प्राइस को कट किया गया है, लेकिन आपको बताऊंगा वीडियो में आगे इसके सही प्राइस क्या है। फिलहाल अगर मैं करता हूँ इसी की सील को ब्रेक, आप दोस्तों करते हमेशा हर बार की तरह वीडियो लाइक और शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब। तो यहां पर दोस्तों इसे हटाते हैं इसी स्लीव को बाहर, नीचे हमारे पास में है ये ब्लैक कलर का बॉक्स, मतलब डब्बे में डब्बा, अब डब्बे में फोन निकलेगा। जहां पर दोस्तों लिड को साइड करते हैं, अंदर हमारे पास में रखा है एक सेक्शन जहां पे है, साथ में ये एक सिम ट्रे टूल, फिर दोस्तों यहां पे हमारे पास में कुछ ज्ञान की बातें, और फाइनली है ये एक केस फोन की प्रोडक्शन के लिए। इसी के साथ दोस्तों यहां पे अगर मैं बात करता हूं, नीचे तो रखा है यही मेन फोन, जहां पे यार ये काफी काफी स्लीक और काफी लाइट वेट दोस्तों फील हो रहा है हाथ में, मतलब यार ये डेफिनेटली एक अलग टाइप का एक्सपीरियंस है। सामने खैर अगेन कुछ मेन हाइलाइट्स को लिखा गया है, और यहाँ पर दोस्तों साथ में है 30 वॉट्स का चार्जर, USB A to C केबल, और हम सभी के फेवरेट ये हमारे लिए ईयरफोन्स। यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं फोन के प्रोडक्शन को रिमूव करते हुए फर्स्ट लुक की, तो भाई ये जो दोस्तों कलर है ना पीछे का, ये भैया बहुत ही एक अलग टाइप की फील कर रहा है दोस्तों, काफी सॉफ्ट फिनिश में आता है एकदम, मतलब ऐसे आपको कोई फिंगरप्रिंट्स वगैरह देखने को नहीं मिलेंगे लगता है। और बाकी यहाँ पे जो है ये क्रिस्टल सिल्वर डेफिनेटली लग रहा है कि बहुत सारे क्रिस्टल से मिलकर बना है। यहाँ पर दोस्तों करते हैं फोन को बूट, बात करते हैं कुछ डिटेल्स के बारे में। तो यार एक बार वापस से ना हम इसी बैक को ही देखते हैं, जहां पे डेफिनेटली जो है वो आप एक अच्छी प्रीमियम जो है वो दोस्तों फिनिश देख पाएंगे। यहां पे दोस्तों अगर हम बात करते हैं एक्चुअल फिजिकल ओवरव्यू की, तो फोन में राइट साइड में है दोस्तों यहां पे ये पावर लॉक अनलॉक बटन, ऊपर है सेकेंडरी माइक्रोफोन, बाकी दोस्तों यहां पे जो लेफ्ट साइड है उसमें है बटन्स वॉल्यूम एंड डाउन के लिए, और फिर है यहां पे एक ट्रिपल स्लॉट के साथ में आने वाली सिम ट्रे। फोन में दोस्तों नीचे है हम सभी का प्यारा बड़ा ही शानदार सा ये हेडफोन जैक, प्राइमरी माइक्रोफोन, USB-C पोर्ट और स्पीकर ग्रिल। यहां दोस्तों अगर हम बात करते हैं फोन में पीछे की तरफ ना, तो अगेन आप जो है वो डिजाइन दोस्तों क्लियर देख सकते हैं, जहां पे जो कैमरा है वो दोस्तों आता है इसी सिंगल पीस ग्लास के साथ में, और यहां पे हमारे पास में 48 मेगापिक्सल का क्वाड रियर कैमरा सिस्टम, प्राइमरी कैमरा दोस्तों हमें 48 मेगापिक्सल का, फिर है 8 मेगापिक्सल का कैमरा अल्ट्रा वाइड एंगल शॉट्स के लिए, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा है, और है दोस्तों साथ में लगा हुआ 2 मेगापिक्सल का मोनो कैमरा, साइड में है एलईडी फ्लैश, और यहां पे दोस्तों बाद में नीचे की तरफ कॉर्नर में है ओप्पो की ब्रांडिंग। यहां दोस्तों अगर हम बात करते हैं फोन में सामने की तरफ, तो इसमें है ये एक 6.43 इंचेस का फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले, और यहाँ पर दोस्तों ये जो स्क्रीन है ये मतलब डेफिनेटली बहुत ही सही क्वालिटी का लगता है, जहाँ पर दोस्तों ये जो है अपने साथ में लेके आता है एक अन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, और फिर दोस्तों यहाँ पे कोने में सेल्फी कैमरा भी है जो कि है 16 मेगापिक्सल का इसी सिंगल पंच होल स्टाइल में। बाकी दोस्तों अगर देखते हुए चलता है टिपिकल ओप्पो के कलर OS पे, और यहाँ पर दोस्तों फिलहाल इसका वर्जन है लेटेस्ट 11.1 जो कि एंड्रॉयड 11 पे बेस्ड है, और यहाँ पर दोस्तों लगा है MediaTek Helio P95 ऑक्टाकोर प्रोसेसर, साथ में दो अलग अलग ऑप्शंस हैं 8 GB रैम के साथ में 128 GB स्टोरेज या फिर 256 GB स्टोरेज दोस्तों हमको अवेलेबल मिल जाती है। उसमें जो बैटरी है वो है 4310 mAh की, जो कि अगेन 30 वॉट्स की फास्ट चार्जिंग के साथ में आती है, तो मतलब बहुत ही तेजी से आप इस फोन को रिचार्ज कर पाएंगे। और यहां पे दोस्तों इसके अलावा अगर आपसे बात करता हूं अगर कुछ और डिटेल्स की, तो आपको टिपिकल दोस्तों जो ओप्पो वाले फीचर्स हैं कलर वाइज के साथ में जो आपको मिलते हैं वो आप इस फोन में एंजॉय कर पाएंगे। और यहां पर दोस्तों अगर आपसे बात करते हैं इस फोन के कैमरा को लेकर, बिकॉज ये डेफिनेटली एक मेजर दोस्तों हाईलाइट रहेगा इसी फोन की, यहां पे बात कर रहे हैं कलर पोर्ट्रेट वीडियो की और साथ में दोस्तों ड्यूअल वीडियो की। तो खैर यहां पे दोस्तों कैमरा ऐप है, बहुत सारे मोड्स लेके आते हैं, जहां पे मतलब आप दोस्तों अलग-अलग मोड्स में आने के बाद में अलग-अलग अपनी फेवरेट स्टाइल्स के हिसाब से जो है वो फोटोज या वीडियोस कैप्चर कर पाएंगे। फिलहाल के लिए खैर मैं शेयर करता हूं यहां पे कुछ कैमरा सैंपल्स इसी फोन के फ्रंट और रियर कैमरा से जो मैंने कैप्चर किए हैं, आप दोस्तों देखते हो बताइए आपकी मन की बातें क्या है नीचे कमेंट करते हुए, और साथ साथ थोड़ा सा मैं आपके लिए लेके आया हूं कुछ नए वीडियो सैंपल्स इसी ओप्पो F19 Pro स्मार्टफोन से रिकॉर्ड किए हुए।
दोस्तों ये मैं फिलहाल क्या रिकॉर्ड कर रहा हूँ AI कलर पोर्ट्रेट वीडियो इसी के फ्रंट कैमरा से, और यहाँ पर दोस्तों हम इसको रियर कैमरा फ्रंट कैमरा दोनों से रिकॉर्ड कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ मैं कलर में हूँ, बाकी जो पूरी चीज़ें आप देख रहे हैं वो है ब्लैक एंड व्हाइट में। अभी दोस्तों जो वीडियो आप देख रहे हैं वो है सिंपल पोर्ट्रेट वीडियो, जहाँ पे पहले था AI कलर पोर्ट्रेट, अभी है पोर्ट्रेट जहाँ पे मैं हूँ बिल्कुल एकदम क्लियर फोकस में, और पीछे का बैकग्राउंड जो है वैसे धुंधला धुंधला आपको दिख रहा होगा। तो कुछ ऐसा है कैमरा सैंपल वीडियो पॉइंट ऑफ व्यू से ओप्पो F19 प्रो स्मार्टफोन का। यहाँ दोस्तों अगर आपसे बात करता हूँ बायोमेट्रिक सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप दोस्तों बड़े आराम से इंस्टेंटली इसको काम में लेते हुए फोन को सीधा जो है वो अनलॉक कर पाएंगे। और जो फेस अनलॉक सिस्टम है वो भी मतलब बहुत ही तेजी से काम करता है, सीधा जो है वो आप देख सकते हैं कि फोन चेहरा दिखते ही अनलॉक हो जाता है। वैसे यहाँ पर दोस्तों बात आई है देखने की, तो एक बार थोड़ा सा खैर वीडियो को देखते हैं, थोड़ा सा कॉन्टेंट एंजॉय करते हैं। अरे यार मतलब खोलते ही सामने दिख जाता है यार ये चीज़, तो चलो कोई बात नहीं इसको हटाते तो साइड में। और वैसे एनीवे अगर हमसे बात करता हूँ वीडियो कंजम्पशन की, तो यार बहुत ही मज़ेदार एक्सपीरियंस रहेगा, बिकॉज यहाँ पर दोस्तों हमारे पास में है एक AMOLED स्क्रीन, तो जो कलर्स वगैरह है वो यार बहुत ही अच्छे मिलने वाले हैं, और जो वीडियो व्यूइंग एक्सपीरियंस है वो बहुत ही बेहतरीन मिलने वाला है हमको इसी फ़ोन के साथ में। और वैसे दोस्तों यहाँ पर एक बार बेहतरीन की बात कर ही रहे हैं, तो थोड़ा सा एक बेहतरीन ऑडियो को भी हम सुन लेते हैं। क्या बात है, मतलब यहाँ पर दोस्तों खैर ये है कुछ कहानी ओप्पो F19 प्रो स्मार्टफोन की। ओप्पो F19 प्रो प्लस जो दोस्तों वो आता है 5G के साथ में, उसकी वीडियो खैर आपके लिए पहले लेके आई गया था। यहाँ पे बात कर रहे हैं F19 प्रो के बारे में, और यहाँ पर दोस्तों उसकी जो कीमत है 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ में वो है 21,490 रुपये। अब यहाँ पर दोस्तों कैमरा जो है वो डेफिनेटली इसके काफ़ी स्ट्रॉन्ग हाईलाइट है, और जो काफ़ी इसका स्लीक सा डिज़ाइन है ये भी इस फोन की जो है वो एक USP दोस्तों ऐड करता है चीज़ें। जहाँ पे जो AI कलर पोर्ट्रेट वीडियो है या फिर दोस्तों ड्यूअल वीडियो वगैरह वो काफी इंटरेस्टिंग ऑप्शंस हैं। ऑल्दो यहाँ पे जो प्रोसेसर है P95, मेरे ख्याल से दोस्तों यहाँ पे इस प्राइस रेंज के हिसाब से थोड़ा सा और हमको एक बेटर प्रोसेसर मिलना चाहिए था, या फिर प्राइसिंग थोड़ी सी कम होनी चाहिए थी। बट अब देन अगेन दोस्तों आप जानते हैं कि जो ओप्पो के फोन हैं वो ऑफलाइन मार्केट को टारगेट किए जाते हैं, और ऐसे में F19 प्रो जो है वो कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन लेके आता है आप सभी के लिए। जहाँ पे दोस्तों फिलहाल बहुत सारे ऑफर्स वगैरह भी चल रहे हैं दोस्तों, बंडल ऑफर्स हैं अगर आप लेना चाहते हैं साथ में नया बैंड या नए ईयरफोन्स वगैरह तो वो आप ले सकते हैं डिस्काउंटेड प्राइस पे। साथ में दोस्तों यहाँ पे पेटीएम पे कैशबैक है, बैंक्स पे दोस्तों तरह तरह के ऑफर्स हैं, वन टाइम स्क्रीन रिप्लेसमेंट का दोस्तों यहाँ पे सीन मिल रहा है, यहाँ पे हम बात करें एक्सटेंडेड वारंटी वगैरह की, तो बहुत सारी डिटेल्स हैं। अगर आप इस फोन को लेना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, जहाँ पे दोस्तों जाके आप सभी ऑफर्स का जो है वो पता लगा सकते हैं। फिलहाल के लिए खैर ये फोन जो है ये भी अभी नहीं मैं प्लान कर रहा हूँ, अगर सीन बनता है तो ये फोन आएगा आप में से किसी एक लकी व्यूअर के पास में। तो आप बस करना क्या है, वीडियो को लाइक और शेयर करते हैं, अपने प्यार से बनाए रखिए, और मैं आपसे मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों बस फिलहाल इतना ही, देखने के लिए आपको धन्यवाद, मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोड सारा सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा, अगर आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करने बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोज लेके आता रहता हूँ। तो फिलहाल इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।